जो लेंथ है ब्रेथ है रेक्टेंगल का और जो रेडियस है सर्कल का, वो आपको कीबोर्ड से एंटर करवाना है। प्रोग्राम ऐसे लिखना है कि एरिया और पैरामीटर रेक्टेंगल का निकाल सके और एरिया सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस और पैरामीटर की बात होती है सर्कल के रिस्पेक्ट में, ये आपको निकालना है। तो प्रोग्राम आप लिखेंगे, कैलकुलेट जो भी आपको कैलकुलेशन करना है वो यहाँ पर आप लिखेंगे। उसके बाद ये दोनों इंक्लूड करेंगे, मेन पे जाएंगे। अब देखिए इंटीजर में आपने कहा क्या क्या लिया, लेंथ ब्रेथ आपका और रेडियस सर्कल का, एरिया वन और पैरामीटर। इसी तरीके से फ्लोट में एरिया टू और सर्कल, इसको भी फ्लोट दे सकते थे, ऐसा कोई इसमें वो नहीं, बंदिश नहीं है, ये आपके ऊपर है, आप सभी चीज को फ्लोट में ले सकते हैं, ऐसी कोई बंदिश नहीं। लेकिन क्योंकि स्पेसिफिकली लेंथ ब्रेथ हम नॉर्मली डेसिबल में नहीं देते, इसीलिए हमने लिया, अदरवाइज ऐसा कोई नहीं है, आप सबको फ्लोट ले सकते हैं। उसके बाद आप सबसे पहले यूजर से बोलिए कि लेंथ और ब्रेथ एंटर कराइए, लेंथ और ब्रेथ एम्परसेंड एल और बी में ले लीजिए, एरिया आप करिए जो पहला एरिया है रेक्टेंगल का एल इंटू बी, पैरामीटर होता है टू इंटू टू एल प्लस बी या टू इंटू एल प्लस टू इंटू बी, ये पैरामीटर हो जाएगा। एरिया और रेक्टेंगल, एरिया रेक्टेंगल और पैरामीटर रेक्टेंगल का यहाँ दिखा दीजिए यूजर को। फिर यूजर से मांगिए कि रेडियस दीजिए, रेडियस देंगे एम परसेंट आर में ले लिए परसेंटेज डी करके, क्योंकि आपने ये जो रेडियस है वो किसमें मांगा है, आपका इंटीजर बनाया होगा। उसके बाद एरिया टू, अब ये सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो 3.14 इंटू आर इंटू आर दे दीजिए, सर्कमफेरेंस होगा 2 इंटू 2 पाई आर होता है, 2 पाई की वैल्यू 3.14 लिख दीजिए यहाँ पर, और आर इन दोनों को दिखा दीजिए, एरिया टू को और सर्कम को, और उसके बाद बाहर आ जाए।